नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से सोसाइटी में ऐसी कुरीतियां हैं भारत में जो इतिहास में तो कभी हमारा हिस्सा रहे नहीं, लेकिन समय के साथ साथ चलते चलते कुछ हमने मजबूरीवश ऐसे फैसले लिए जो अब हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं जबरदस्ती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। कहा जाता है कि जब दहेज प्रथा कहाँ से शुरू हुआ, आदिकाल में जब माता पिता अपनी बेटी को विदा करते थे तो उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें दे दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह स्वरूप बदलता चला गया और कब और कैसे उसने दहेज का रूप ले लिया, वो दहेज जिसके लिए हजारों लाखों बेटियों को जलाया जाता है, मारा जाता है, बहुत ही दुखद ये घटना होती है जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दहेज जो है बहुत कानून भी सरकार ने बनाए हैं, लेकिन उसको उसका रूप बदल बदल के अभी भी वो दहेज प्रथा जो हमारे समाज में है उसका हिस्सा बनी हुई है। तो क्या आप क्या समझते हैं दीदी, इससे क्या ये कभी ख़त्म होगा? कब लोगों के दिमाग इतने खुलेंगे कि हम सिर्फ बेटी ही विदा करेंगे या फिर हम बेटी ही बहू ही विदा करा के लेके आएंगे? अभी कितना समय लगेगा और क्या क्या आपने सोसाइटी में देखा है? ऐसे लोग आते होंगे पक्का आपके पास। हाँ हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि हम धन को बहुत महत्व देते हैं अपने जीवन में ना। आज धन शक्ति है, धन ही सब कुछ है और धन के आगे मूल्य कुछ नहीं, संबंध कुछ नहीं। तो अब दहेज तो धन प्राप्त करने का सबसे सहज साधन है। बिना मेहनत के आपको इतना धन अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं ना हम उसे हासिल करें। और जैसे कहा कि शुरू तो हुआ था कि माँ बाप खुशी से, अब खुशी का अवसर है, बेटी का विवाह हो रहा है तो खुशी से माँ बाप जो अपनी बेटी को देते थे एक उपहार, लेकिन उसने धीरे 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 इस ये रूप ले लिया कि वो बेटी के जीवन के लिए ही घातक हो गया, घातक सिद्ध हो गया। आज कितना प्रताड़ित, आज तक भी महिलाओं को इसके लिए प्रताड़ित किया जाता है। चलो अब कानून इतने कड़े बना चुकी है सरकार की, बहुएं जलाना या बहुओं को मार देना ऐसा नहीं है कि अभी भी बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बहुत कम, ये जो आंकड़े हैं ये अब कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको शाब्दिक रूप से माना ये एहसास दिलाते रहना या उनको वैल्यू नहीं देना, अगर वो कम दहेज लेकर के आई है उपेक्षा करना उसकी परिवार में, दूसरों के सामने नीचा दिखाना, तो एक इसको हम कहेंगे मानसिक प्रताड़ना। जी बिल्कुल, ये तो होता ही रहता है। और जैसे कहा कि हमारे सामने कई लोग इस बारे में अपना अनुभव बहनें सुनाती रहती हैं। जैसे 2-3 साल पहले एक बहन मेरे पास आई थी, उसकी विदेश में शादी हुई और करोड़ रुपए तक माँ बाप ने दहेज दिया उसकी शादी में। अच्छा, फिर वहाँ उसको पता चला कि उसका कहीं और अफेयर भी है, और नेचुरली है कि जहाँ अगर अफेयर है तो फिर वो अपनी पत्नी को उतना ध्यान नहीं देगा, और वो पढ़ी लिखी थी तो उसको ये पसंद नहीं आई बात को, और कोई भी महिला ये पसंद नहीं करेगी। तो उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं वापस अपने देश में चली जाऊँगी, और उसने सेपरेट होने का डिसीज़न ले लिया। फिर वो यहाँ आ गई भारत में, और फिर उसने नौकरी ढूंढने का कि मैं देखूँ जो भी मुझे नौकरी मिले, कम से कम मैं अपना इंडिपेंडेंट होकर के अपना जीवन यापन तो करूँ। तो ऐसे ही वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आई थी और उसने ये शेयर किया कि इतना दहेज देकर के मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की, लेकिन क्या परिणाम निकला ना, और उन्होंने उस धन में से कुछ भी उनको नहीं दिया। हालांकि वो डाइवोर्स नहीं हुआ था, अभी तो सेपरेशन ही था, डाइवोर्स होने के बाद ही अगर कुछ एलिमनी वगैरह हाँ मिलती है तो फिर तभी, लेकिन मतलब वो इस बात का बहुत दुख महसूस कर रही थी कि मतलब कितना उनके साथ धोखा हुआ। ऐसे लोग पैसे के कारण, क्योंकि हाँ। अब ऐसा पता है कि ऑलरेडी जब मैं किसी और के साथ संबंध में हूँ तो मुझे क्यों शादी करनी चाहिए, लेकिन जब पैसा मिल रहा है तो इस तरह के निर्णय लेते हैं, दूसरों को मना चीट भी करते हैं, ऐसी घटनाएं भी होती बहुत हैं, बहुत घटनाएं होती हैं ऐसी। एक और घटना जो मेरे सामने आई, वो अच्छी एजुकेटेड बहन, पोस्ट ग्रेजुएट उसने किया हुआ साइकोलॉजी में, और फिर
नौकरी भी कर रही थी वो, और दो बेटियां थी वो अपने माँ बाप की, वो बड़ी बेटी थी। तो उनकी शादी की, और शादी के बाद उसको पता चला कि वो जो लड़का है वो ऑलरेडी मैरिड है। अच्छा, पहले से ही उसने शादी कर रखी है, और अभी उसने ये जो शादी की, क्योंकि ये लोग काफ़ी रिच थे, रिच फैमिली से थे, तो पैसे के लिए, माना दहेज के लिए, उसने दोबारा शादी कर ली। और जैसे ही लड़की को पता चला वो क्यों रहेगी, तुरंत वो घर वापस आ गई। और जैसे ही घर वापस आई, पिता को पता चला, अच्छा ऐसा धोखा हुआ हमारे साथ, तो सब तो सहन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के माँ बाप कितना सोचते हैं, और जब पता चलता है कि ऐसा हो गया तो एक दिल को धक्का लगा उनके। और विदिन वन मंथ उनको हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। फिर वो बेटी ने बहुत सेवा भी की उनकी, लेकिन वो जी नहीं पाए, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। माँ को भी धक्का लगा, और फिर माँ भी ज़्यादा नहीं जी पाई, और नेक्स्ट ईयर में माँ ने शरीर छोड़ दिया, और दोनों बेटियाँ जैसे अनाथ हुए। अब देखिए यहाँ भी इतना डिप्रेशन में चली गई वो लड़की, हालांकि वो जॉब करती थी, लेकिन वो जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाई अपना, इतना उसको डिप्रेशन वाली बात है ही ना। एक तो शादी में धोखा, फिर ऊपर से उसके कारण माँ बाप चले गए। अब बताइए कितनी दुखद घटना, माना एक दहेज के लालच में कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए जो बहुत सारी बेटियां हैं ना, वो अब प्रताड़ना सहती रहती हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि जब उसके माता पिता को पता चला तो पिता की भी डेथ हो गई, और माँ भी मतलब इस अवस्था में आ गई, तो बेटियां सहती रहती हैं। इसीलिए कि घर जाएंगे तो, क्योंकि पता नहीं पिता ने पूरे जीवन भर की पूंजी मेरी शादी में लगा दी, और अब मैं जाके उनको बताऊं, इनका तो कुछ होने वाला है नहीं, मेरे पिता को ही कुछ हो जाए, मेरी माँ को ही कुछ हो जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें भी बच्चियां सहती रहती हैं। तो दहेज ने इतना बिगड़ा हुआ रूप ले लिया, और लोग खुलेआम कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो भी दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। तो इस तरह का जब वो गोलमोल सेंटेंस बोलते हैं ना, तो माता पिता भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा कहने से तो कोई केस भी नहीं बनेगा उनके ऊपर, जबकि अंदरूनी तौर पे तो वो चाहते हैं कि दहेज दिया जाए। और जैसा कि आपने बताया कि उसको फिर ताने भी दिए जाते हैं, सब तरह की चीज़ें होती हैं, और यही ये भी एक कारण है कि जैसे अभी हम भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे हम पिछले एपिसोड में, इसका ये भी एक कारण है। तो ये जो दहेज है, इसका क्या कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बनता है इन लोगों का, जो इस तरह से दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं, बेटियों को मारते हैं ऐसा? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि कर्म तो पाप कर्म ही है ना, एक तरह से आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से दुखी कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, जैसे कहा हत्या तक कर देते हैं बेटियों की, ऐसे ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं। माना जो माँ बाप हैं, मतलब वो इस तरह के किस्से सुनाते हैं कि कैसे उनकी बेटी, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेती हैं लड़कियाँ। अब जैसे कहा मायका उनका नहीं रहता, क्योंकि एक बार वो हमारे यहाँ बेटी को क्या शिक्षा दी जाती है कि यहाँ से तेरी डोली उठी है, अर्थी तेरी जो है वो ससुराल से ही जानी चाहिए। फिर वो ये भी सोचती हैं मेरे माता पिता ने इतना अपना त्याग करके मेरी शादी की, और अब मैं अगर वापस घर चली जाऊंगी तो उनको कितना दुख पहुंचेगा, वो दुखी नहीं करना चाहती उनको। या ये भी उसको पता है कि मेरे भाई भाभी मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो अपना सम्मान जो है वो उसको देखते हुए भी वो कई बार नहीं जाती। तो फिर यहाँ ही ससुराल में अगर वो भोगती रहती है और सहन करने की सीमा अगर पार हो जाती है, तो दोनों बातें होती हैं कि या तो वो खुद ही खुद को ख़त्म कर लेती है, माना ऐसी घटनाएं भी होती हैं, सभी के साथ नहीं। आज हम देख रहे हैं कि समाज में थोड़ा परिवर्तन भी हो रहा है, मतलब बहुत लोग जो हैं इस बात को भी महत्व दे रहे हैं कि नहीं, माता पिता ने अपनी बेटी की परवरिश की, इतना लगा, क्योंकि आजकल पढ़ाते हैं बेटियों को माँ बाप, वो खुद ही आत्मनिर्भर होती हैं, खुद नौकरी करती हैं, कमा रही हैं, तो फिर वो ये समझते हैं कि जब बेटी को इतना योग्य बनाया है, लायक बनाया है, और वो हम कहते हैं हमारे यहाँ ग्रह लक्ष्मी बनकर आती है, तो लक्ष्मी माना ही क्या, जो घर को अपने कार्यों से धन धान्य से भरने वाली है। तो कन्या दान हमारे यहाँ कितना बड़ा दान माना जाता है, तो वो कन्या दान माँ बाप कर रहे हैं, और उसके आगे इन सब
चीज़ों का क्या महत्व है ना, धन का और वो सब बातों का। वो देते हैं तो भी ठीक, नहीं देते हैं तो, और कई तो देते हैं तो भी स्वीकार भी नहीं करते कि नहीं हमें हमें आपकी बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने अपनी अपनी बेटी को इतना लायक बनाया है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। तो ये सोच भी आज है समाज में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और कई तो इसको बहुत रचनात्मक रूप भी देते हैं कि अगर आपको सचमुच दहेज देना ही है, आप देना ही चाहते हैं, तो जैसे मैंने एक समाचार पढ़ा था कि उन्होंने कहा आप कुछ हज़ार पौधे दे दीजिए ताकि वो पर्यावरण में हम माना वो जो लड़का था उसको पर्यावरण संरक्षण का जैसे एक था कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें पेड़ पौधे लगाने में योगदान देना चाहिए। तो उसने फिर वो कहा और बेटी ने भी उसको सपोर्ट किया कि ठीक है आप जितने भी हज़ार उनको पौधे चाहिए थे, जितना ज़मीन थी उनके पास जो वो लगा सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें पौधे दो। तो एक मतलब वो रूप भी हम उसको दे सकते हैं ना। तो हाँ, ये परिवर्तन हमें खुद को लाना है अगर हम हाँ जी, ये जो दो अभी आपने प्लांटेशन की बात बताई, तो यहाँ यहाँ कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तब जाके वो नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। लेकिन जहाँ माता पिता शादी करते हैं, बहुत जगह तो बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन कई जगह क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि बेटियों को अपने घर की अर्थव्यवस्था पता ही होती है ना, तो वहाँ सहती रहती हैं। और कई बार तो क्या होता है कि वो अपनी प्रताड़ना की कंप्लेन अगर लेकर पुलिस के पास भी जाती है तो पुलिस कहती है कि नहीं, पहले कुछ ऐसी घटना दिखाओ, घटी क्या है घटना। तो अब जैसे आपने कहा कि शाब्दिक प्रताड़ना, मतलब ऐसे बोल उनको बोल दिए जाएंगे, ताने मार दिए जाएंगे, ऐसी बातें तो आप प्रूव भी नहीं कर सकते, लेकिन अंदर अंदर वो चीज़ें आपको खोखला कर रही होती हैं। तो दहेज एक दीमक की तरह मतलब हमारी बेटियों की ज़िंदगी को लगा हुआ है, वो चाट रहा है उनको ना। तो कहने का मतलब कभी तो सुधार आए ना सोसाइटी में इस चीज़ का। तो जब आपके पास इस तरह के माता पिता आते हैं तो आप किस तरह की उनको समझ देते हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उनको कि उस चीज़ से बाहर निकले? हाँ, निश्चित है कि जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की कि अगर जीवन में हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं जी, तो वो हमारी सोच को बदलती है ना। इन कुरीतियों के बंधन से हम तभी मुक्त हो पाते हैं जब हमारी स्वयं के प्रति, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति सोच बदलती है। तो जैसे हमें ये समझ मिलती है तो आध्यात्मिकता हमें संतुष्टता का गुण सिखाती है ना, और हमें परोपकारी या दाता बनना सिखाती है। लेना नहीं है लेकिन हमें देना है। तो हम जब ये भाव रखते हैं कि जो हम दे सकते हैं वो हमें देना है, माना जो दहेज लेते हैं, माना हम कहेंगे ना दहेज देना है ना दहेज लेना है। चलो कई बार देना मेरे हाथ में नहीं है पर लेना तो मेरे हाथ में है कि अपने बेटों के लिए मैं कभी भी दहेज नहीं लूंगा, मतलब लूंगा या लूंगी। जो भी पेरेंट्स है वो सोचे कि हमें अपने बेटों की शादी के लिए तो दहेज नहीं लेना है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। तो वो तब होगा जब वो एक जो धन के प्रति हमारा लोभ है या जो आकर्षण है वो जब हमारा ख़त्म होगा, है ना, और ये भावना होगी जो बताया कि बेटियों के प्रति कि हमें वो बेटी मिल रही है, वो उससे अधिक और हमें क्या चाहिए, है ना। तो माता पिता वो बेटी का त्याग, और बेटी भी अपना घर छोड़ करके आती है, अपना पूरा जीवन उसका जैसे कि उसको नए सिरे से शुरू करना होता है, तो हम उस चीज़ को अगर महत्व देते हैं तो ये जब हमारी सोच बदलती है तो फिर हम माना दहेज को महत्व नहीं देते। हाँ ठीक है, अगर माता पिता खुशी से कुछ दे पा रहे हैं और खुद अपनी बेटी के लिए जैसे कहा, माता पिता खुद भी समझते हैं कि हमारी बेटी है और हमें इसके लिए कुछ करना है और वो सक्षम है तो ज़रूर करते भी हैं। अगर वो नहीं सक्षम है, आजकल हम मीडियम परिवार ही मेजॉरिटी होते हैं कि वो रोज़ अपना जो खर्च है वही मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते तो हम उस बात में संतुष्ट रहें। तो वो संतुष्ट रहने का जो हम कहेंगे गुण है, शक्ति है, वो हमें तब आती है जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को हम लेकर के आते हैं जी, है ना, कि हम खुद भी अपने अपने जीवन में जो हमें प्राप्त हैं उससे हम संतुष्ट रहें और दूसरे भी जो हमारे लिए कर पा रहे हैं उनसे हम संतुष्ट रहें। तो जो भी लड़की भी हमारे घर में आई है,
उसके लिए भी फिर हमारा जो व्यवहार रहेगा, क्योंकि हमने अपेक्षा नहीं रखी, अपेक्षा रखेंगे और वो नहीं कर पा रहे तो फिर हम सुनाते हैं सब उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो नेचुरली फिर हम उसे उतना रिस्पेक्ट भी देंगे और अलग अलग तरह से, जैसे मैंने कहा, अलग अलग तरीके से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, उसकी जो योग्यता है उसको सम्मान दें। अब एक और चीज़ देखने को मिलती है सोसाइटी में कि कुछ लड़कियां जो हैं, बहनें हैं, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं परिवार में, तो दहेज के झूठे केस भी बना दिए जाते हैं जिसमें परिवार बहुत इनोसेंट होता है, उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं। तो कानून का यूज़ भी होता है तो मिसयूज़ भी होता है, तो इस तरह से कई बार दहेज के झूठे केस भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या आप सलाह देना चाहेंगे ऐसी बहनों को कि अगर आपने शादी की है तो आप परिवार में अपनी एक निर्णय लेके आप आई हैं तो उस परिवार के साथ आपको रहना चाहिए, चलना चाहिए, पर अब चूंकि हमें एक ऐसा कानून मिल गया है तो कई बार क्या होता है कि चलिए और कुछ काम करे ना करे ये कानून ज़रूर काम करेगा, है ना। ये भी है सोसाइटी में अभी। हाँ नहीं, और ये सुनने में आता है कि कानून का दुरुपयोग भी करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कोई कोई होते हैं महिलाएं ऐसे कि बदला लेने के लिए, मानो कोई भी उनका आपस में कुछ हो गया तो वो समझते हैं किस तरह से बदला लिया जाए, तो चलो ये कानून का ही प्रयोग करके इनको फंसा दो तो ये उसका तकलीफ़ उठाते रहेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सोच ही गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे उनके साथ, मेन ऐसे ही होता है कि आप नहीं, जीवन हमारा उनके साथ चलने वाला है, हम अलग रह सकते हैं, आजकल अगर आप खुद योग्य हैं और कमा सकते हैं तो सेपरेशन बहुत आम सी बात है, अलग हो जाना और अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना, किसी को इतना हमें मुश्किल में क्यों डालना है, है ना। तो यही स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि अगर हमें नहीं पसंद है किसी के साथ रहना तो हम शांति से, है ना, या हम आपस में बातचीत करके भी अलग हो सकते हैं, हम एक दूसरे को कह करके भी अलग हो सकते हैं, पर इस तरह से किसी को बदले की भावना से और उनको दुखी करके, परेशान करके और फिर हम वो कदम उठाएं, तो ये तो हमारी जो हम कहेंगे जो अंदर की कॉन्शियस है वो भी हमें अलाउ नहीं करती, और फिर कहीं ना कहीं हम भी उसका दुख पाते हैं, क्योंकि जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं फिर वो आप तक भी कहीं ना कहीं उसका असर तो होता ही है। हाँ, गलत निर्णय का कभी सही प्रभाव तो नहीं देखने को मिल सकता। तो इसीलिए जब दुरुपयोग करते हैं तो धीरे धीरे जो भी सच्चाई है वो सामने तो आई जाती है, उस समय चलो पुलिस आपका मान लेगी, उनके उनके लिए सजा जो भी होगी वो होगी भी सही, लेकिन बाद में तो ये बातें सामने आती ही हैं। तो हम भविष्य परिणाम सोच कर भी अगर कोई ऐसे कदम उठाते हैं तो इसका भी ध्यान रखें, तो ना ही करें ऐसा, कोशिश करके तो आपस में हमारा सामंजस्य बिठा लेना चाहिए, कोई भी भेद, हम कहेंगे मतभेद तो होते ही हैं जीवन में, जहाँ संबंध होते हैं वहाँ विचार हमेशा मिलते हों, लेकिन एक दो के प्रति स्वीकार्यता, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अपने परिवार में हम सुख शांति से रहें ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी का ज़रूर हम आधार लें, अपने जीवन में कुछ समय हम ज्ञान को ज़रूर सुने, योग अभ्यास करें, तो उससे हमारे अंदर ये शक्ति आती है कि जो भी हमारी जीवन की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आ रहा है उसको हम सहन कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फिर आसान हो जाता है, तो ये सब गलत चीज़ें अपने आप समाप्त होने लगती हैं। ये जितनी बातें आज आपने बताई इतनी सुंदर बातें हैं कि किसी भी समस्या का जो हल है वो बातचीत के ज़रिए निकाला जा सकता है, ना जाए हम बाहर, ना हम कोर्ट में कचहरी में क्यों जाना है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, अगर आपका उनके साथ रहने का नहीं बन रहा है तो आप बातचीत करके उसका मसला सोल्व किया जा सकता है। और जहाँ तक दहेज लेने और देने की बात है, मैं समझती हूँ इस पर एकदम कांटा ही लगना चाहिए, ना दहेज
लो ना दो, क्योंकि आज तो बेटियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, बेटों से भी कहीं ज़्यादा कमा रही हैं, तो दहेज का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं कहूँगी कि अभी पिछले दिनों हमने कहीं पढ़ा था कि एक बेटी ने अपने पिता को फ़ोन किया कि मुझे दहेज के लिए यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसके पिता जैसे ही बेटी को विदा किया था बैंड बाजा लेके, वैसे ही बैंड बाजा लेके जाते हैं और अपनी बेटी को ससुराल से विदा करा के वापस घर ले आते हैं। तो वो भी एक उदाहरण लोगों के सामने आया और मैं समझती हूँ कि उससे भी लोगों ने सोचा ज़रूर होगा। तो अच्छी चीज़ें भी सोसाइटी में होती रहती हैं, जैसे आपने भी बताया, तो हमें उन अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जैसे हमने ये प्रदा प्रथा ख़त्म की थी, दहेज प्रथा का भी अब उन्मूलन होना ही चाहिए। ये कभी भी समाज के लिए सही नहीं था, ख़ासतौर से बेटियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, दहेज प्रथा हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दुनिया से ख़त्म हो गई है, समाज से ख़त्म हो गई है। ख़ासतौर से अगर भारत में देखा जाए तो ये एक मान और शान का विषय बन जाता है लोगों के लिए कि अगर आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है तो कितना दहेज उसको मिलेगा शादी में, ठीक है ना। तो और कई बार हमने ये भी देखा है कि माता पिता दिखावा भी बहुत करते हैं अपनी बेटियों की शादी में, और जो नहीं कर सकते उनके लिए फिर अलग से एक समस्या पैदा हो जाती है। हम सबको रुक के सोचना पड़ेगा इस विषय पर और हमसे ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। तो आप ज़रूर सोचिए इस विषय पर। हम अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।